हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो है एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था और उसका मैं हिंदी सेक्शन जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। मैथमेटिक्स और जीके का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी वीडियोस में डाल चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आइए अब हिंदी का पोर्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा से तात्पर्य है ए भाषण देना, बी बोलना सीखना, सी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा से तात्पर्य है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कला निधि का पर्यायवाची है ए सूरज, बी राकेश, सी निकेत एंड डी गजानन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी राकेश। थर्ड क्वेश्चन है, देव प्लस आल्य में से कौन सी संधि है ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि एंड डी यण संधि। द करेक्ट ऑप्शन इज ए दीर्घ संधि। फोर्थ क्वेश्चन इज, अपनाना क्रिया किससे बनी है ए संज्ञा से, बी का विशेषण से, सी सर्वनाम से एंड डी क्रिया से। तो अपनाना क्रिया जो है वो सर्वनाम से बनी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है ए प्रांत और नदी का, बी नदी और संगीत का, सी समुद्र और पर्वत का, डी पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। द करेक्ट ऑप्शन इज बी नदी और संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है ए संज्ञा, बी क्रिया, सी प्रविशेषण, डी विशेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवेंथ क्वेश्चन इज, जंगम का विलोम है ए संगम, बी अचलता, सी स्थावर एंड डी साधुत्व। द करेक्ट ऑप्शन इज सी स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया एंड डी कारक। द करेक्ट ऑप्शन इज ए क्रिया विशेषण। नाइन्थ क्वेश्चन इज, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ए त्रिनेत्र, बी भरपेट, सी राजपुत्र, डी महाराजा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी भरपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तत्सम शब्द कौन सा है ए उज्ज्वल, बी उजाला, सी उज्ज्वल, डी उद्घल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए उज्ज्वल। नेक्स्ट इज, सूचक का समानार्थक शब्द है ए द्योतक, बी द्योतक, सी घोतक एंड डी ज्ञापन। तो सूचक का समानार्थक शब्द है द्योतक, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 12, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। तो अपादान कारक है इसमें, क्योंकि से जुदाई इसमें है, पेड़ से कई आम गिरे, तो इसमें अपादान कारक जो है वो है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ए 10 फरवरी, बी 10 मार्च, सी 10 जून, डी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्ञ से में मिलन है ए ग प्लस य, बी ग को हलंत प्लस य को हलंत, सी ज प्लस य एंड डी ज को हलंत प्लस य। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ग हलंत प्लस य हलंत। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होगा ए उचित सामंजस्य का अभाव होना, बी छोटा बड़ा होना, सी बेमेल और तथा बेढंगा, डी बिरंगा होना। करेक्ट ऑप्शन इज सी बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट इज, वेदों की रचना किस भाषा में हुई ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी पाली एंड डी प्राकृत। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट इज, मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है ए चौपाई, बी सोठा, सी रोला एंड डी दोहा। ए चौपाई इज द करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन इज, शुद्ध वाक्य है यह असली गाय का दूध है, बी ये असली गाय का दूध है, सी यह गाय का असली दूध है एंड डी यह गाय के असली दूध है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी यह गाय का असली दूध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धर्माधर्म समास है ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास एंड डी बहुव्रीही समास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता है, वैसे मुझे लग रहा है कि ए है, बट जिस किसको भी इसका करेक्ट ऑप्शन पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 20th क्वेश्चन इज, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है ए दावानल, बी जलागम, सी बड़वानल एंड डी भीषणाग्नि। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी बड़वानल। नेक्स्ट 21th क्वेश्चन इज, 21st है हमारे पास, महर्षि का संधि विच्छेद है ए महा प्लस ऋषि, बी महान प्लस ऋषि, सी महा प्लस ऋषि एंड डी मही प्लस ऋषि। द करेक्ट ऑप्शन इज ए महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पन प्रत्यय वाला शब्द है ए पनघट, बी बड़प्पन, सी ओपन, डी सत्यापन। बी बड़प्पन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है ए पौरुष, बी परुषी, सी परुष एंड डी परुषत्व। तो करेक्ट ऑप्शन है ए पौरुष। 24th क्वेश्चन इज, रिज का विलोमार्थी शब्द है ए हार, बी पतन, सी वक्र, डी पूर्ण। सी वक्र इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है ए प्रविशेषण, बी क्रिया, सी निपात, डी सर्वनाम। ए प्रविशेषण इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।